वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से ही मुतलका है, लेकिन ऐसे फिकरात जिनका ताल्लुक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो टाइप है सेंटेंस की उससे अगर हो तो उन फिकरात को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं, तो आज हम उसके रूल्स और जितने भी उसके प्रिंसिपल्स हैं जो चेंजेस में अप्लाई किए जाते हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला अजीज आज इस क्लास में बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। दीज आर द सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन विच योर सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय और सॉरफुलनेस आर एक्सप्रेस्ड एंड सच सेंटेंसेस आर ऑलवेज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन उर्दू लैंग्वेज में से इस्तेजाबिया फिक्रे ऐसे होते हैं जिनमें आप अपने ख्यालात जज्बात एहसास का इजहार करते हैं। जब कभी आप कोई खुशी की खबर वसूल करते हैं सुनते हैं या कोई दोस्त या रिश्तेदार या भाई आपका आपको कोई खुशी की खबर देता है तो उस वक्त आप खुशी से फूले नहीं समाते और बिला इख्तियार आपके मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं जैसे हुर्रा आहा वाह वाह ब्रेवो, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के साथ आप एक फिक्रा भी बोल देते हैं जिसमें आप अपने खुशी का मुकम्मल इजहार करते हैं। तो ऐसे तमाम फिक्रात को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन इन्हीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की टाइप के अंदर वो फिक्रात भी शामिल होते हैं जिनमें गम के जज्बात एहसास का भी हमेशा इजहार किया जाता है। जब आप कहीं अनफॉर्चुनेटली कोई एक बुरी खबर सुनते हैं या कोई आदमी आपको कोई बुरी खबर देता है तो उस बुरी खबर के सुनते ही फिल बदी आपके मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, ओह अलास ओह नो टश टश जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है तो इस तरह के अल्फाज वो यूज करते हैं आप। और उसके साथ ही आप एक सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आप अपने तमाम उन परेशानी के लम्हात का जो एक जिक्र है वो अपने जज्बात की सूरत में अल्फाज की सूरत में आप लोगों के सामने लाते हैं। तो ऐसे तमाम फिकरात जिनके अंदर गम या खुशी के जज्बात हों ऐसे तमाम फिकरात को अंग्रेजी जबान में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और उनको उर्दू जबान में इस्तेजाबिया फिकरा कहा जाता है। एक बात और याद रहे, जैसे खुशी के मौका पे जॉय के मौका पे हैप्पीनेस के मौका पे आप एक ऐसी खबर आपकी 20 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई है, आपने एग्जाम पास कर लिया है, आपकी फलां फलां सर्विस के लिए सिलेक्शन हो गई है तो एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। जब आप इस तरह की खुशी की खबर या ब्रेकिंग न्यूज सुनते हैं तो आप कहते हैं वाह 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 हुर्रा आहा ब्रेवो, इस तरह के अल्फाज आप यूज करते हैं। जॉय के लिए हुर्रा आहा वाह और ब्रेवो का इस्तेमाल किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे आप कोई किसी बुरी खबर का आपको सामना करना पड़ता है या कोई दोस्त रिश्तेदार भाई आपका कोई भी जानने वाला आपको कोई बुरी खबर सुनाता है और जो ही आप बुरी खबर को सुनते हैं तो आपके मुंह से बिला इख्तियार फिल बदी कुछ आप ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जैसा कि ओह नो ओह हो अलॉस, इस तरह के अल्फाज आपके मुंह से अदा होते हैं और उसके साथ ही आप कुछ एक दो फिक्रे भी बोल जाते हैं जिनमें आपने अपने गम और परेशानी के जज्बात का इजहार किया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो इस्तेजाबिया फिक्रे हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनमें हमेशा गम या खुशी के जज्बात का इजहार किया जाता है और उसमें हमने उन अल्फाज का भी जिक्र किया जिनको अंग्रेजी जबान में इंटरजेक्शन कहते हैं। खुशी के लिए अल्फाज इस्तेमाल होने वाले हुर्रा आहा बावा ब्रेवो और गम के लिए इस्तेमाल होने वाले अलास ओहो टश टश एटसेट्रा जो भी अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल होते हैं गम के इजहार के लिए उस वक्त हम उन अल्फाज को हम कहेंगे कि ये है इंटरजेक्शन, इनको हरूफ इस्तेजाब भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे उन सेंटेंसेस की तरफ जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिनमें या तो खुशी का इजहार है या गम का इजहार है और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आए हम देखते हैं इन एग्जांपल्स के अंदर। जिस तरह ये पहला सेंटेंस है आपके पास, ही सेड टू अस, उसने हमें कहा या उसने हमें बताया, क्या कहा, हुर्रा वाह वाह हुर्रा वी हैव वन द मैच। कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैच था, क्रिकेट का था, फुटबॉल का था, वॉलीबॉल का था, जो भी मैच था उन्होंने जनाब जीत लिया, उनको बड़ा इनाम मिला, बड़ी खुशियां बांट रहे हैं और बहुत जनाब एंजॉय कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो अल्फाज हैं खुशी के अल्फाज हैं हुर्रा और उसका जो इजहार है उसने खुशी में कर दी है। अगर यहाँ पे आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर
अगर खुशी का इजहार किया जाता है तो फिर आपका जो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा ये चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसके साथ चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, दोनों सूरतों में ये दुरुस्त है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखें या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली लिखें, दोनों सूरतों में दुरुस्त है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब हमने यहां पे दैट का इजाफा किया। ये जो इन्वर्टेड कामाज हैं और जो इंट्रोडक्शन है आपका हुरूफ इस्तेजाब है, इसको आपने डिलीट कर देना है, इसको आपने हजफ कर देना है, ओमिट कर देना है आपने, इसको किसी सूरत में भी आप नहीं लिखेंगे और इनकी जगह पे आप रिप्लेस करेंगे दैट के साथ। दैट का आप एडिशन करेंगे यहाँ पे और फिर आपने देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है। अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो हमेशा इसके सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अगर यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, क्योंकि आई माई मी वी आवर अस ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लिहाजा हम इसको इसके सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। वी जो है सब्जेक्टिव केस है, ही जो है ये भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसके साथ चेंज होगा दैट, जैसे हम कहते हैं ही एक्सक्लेम्ड। स्टूडेंट्स, उसको चेंज करने के लिए अगर आपके इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी है तो ये प्लूरल है, ये आई का प्लूरल है, लिहाजा ही का भी हम प्लूरल लिखेंगे, ही का प्लूरल दे है, दैट दे, दैट दे। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, रूल रेगुलेशन जो आपसे डिमांड करते हैं, वो आपने ये देखना है कि इसमें टेंस कौन सी इस्तेमाल की गई है, आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सी इस्तेमाल की गई है। हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल की गई है, लेकिन बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, तो लिहाजा बाहर पास्ट है तो अंदर वाली जितनी प्रेजेंट होगी वो पास्ट में चली जाएंगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट दे हैड वन, That they had won the match. इस तरह आपका जो sentence था ये change हो गया, और वो sentence जिसमें खुशी का इजहार किया गया था, he exclaimed with joy. उसने इंतहाई खुशी के साथ ये इजहार किया कि वो मैच जीत चुके थे, वो मैच जीत चुके थे, उन्होंने मैच जीत लिया था। Now we take another example and its conversion from direct speech to the indirect speech. अब देखिए ये जो सेंटेंस है, he said to me, alas, her father has died. Alas, उसने मुझे बताया, कोई खातून है या लड़की है या कोई भी है, उसने मुझे बताया, अफसोस के क्या है, her father has died. अफसोस उसके फादर फौत हो चुके हैं। देखिए जहां पे गम का इजहार है वहां पे एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखते हैं, अगर एक्सक्लेम्ड विद सारो नहीं लिखते तो आप एक्सक्लेम्ड सारो फुली भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में दुरुस्त है। शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, अब यहां पे हम इनको रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। अब यहां पे आप देखें हर जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दिस इज द वेरी सेट रूल्स ऑफ दिस इंग्लिश ग्रामर दैट द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर बी चेंज्ड at any cost and they will remain standstill. That her father. Now we shall again see कि कौन सी टेंस इस्तेमाल की गई है रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में पास्ट है, रिपोर्टेड में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, अंदर वाली प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। That her father had died.
फुल स्टॉप करेंगे, यहाँ पे आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। सो जेंटलमैन, आज का ये जो लेसन था इसमें हमने पढ़ा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तमाम फिकरात जिनका ताल्लुक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऐसे भी फिकरात होते हैं जिनमें गम का, खुशी का इजहार किया जाता है, शाबाश दी जाती है, इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज किए जाते हैं। तो उसमें ये होगा कि आप अकॉर्डिंगली इसकी जो चेंजेस हैं, जहाँ पे खुशी के अल्फाज आएंगे तो आप उसका जो सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, ये हमेशा एक्सक्लेम विद जॉय के साथ चेंज होगा। और बाकी जो प्रोनाउन की तब्दीलियां आप अकॉर्डिंगली करेंगे, टेंसेस की तब्दीलियां भी आप अकॉर्डिंगली करेंगे जिस तरह उसके सेट रूल्स और रेगुलेशन है। और सेम इज द केस विद द सेंटेंसेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच आर एक्सप्रेसिंग सम सैड न्यूज, और यू कैन से जहाँ पे कोई गम या परेशानी की खबर आपको मिलती है तो उसमें रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो हमेशा एक्सक्लेम सारो के साथ या एक्सक्लेम सारो फुली के साथ चेंज होगा। दैट का आप एडिशन करेंगे, उसके बाद जनाब आपने प्रोनाउंस को देखना है और उसके बाद जनाब आपने अकॉर्डिंगली टेंस के मुताबिक आपने उसकी तब्दीली कर देनी है। सो जेंटलमैन, आज का जो लेसन था ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको इससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। जिन व्यूअर्स रात में स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली जितनी भी इससे रिलेटेड वीडियोज हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें और आप इस इल्म की दौलत से मालामाल होते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।